कबूतर और कौवे की सलाह। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस बड़े से पेड़ पे तरह तरह की चिड़िया घोंसला बनाकर रहते थे। फिर अचानक एक दिन बड़ा सा तूफान आया, कबूतर का घोंसला बिखर गया। उस कबूतर के अंडे फूट गए, एक अंडा बच गया। कबूतर उस इकलौते बच्चे को प्यार और लाड से पाल रहा था। नन्ही कबूतर उड़ने की उम्र आने पर भी वह खुद बाहर से जाकर खाना लाता था और उसे खिलाती थी। एक दिन खाने के लिए माँ कबूतर बाहर गई। नाव में जा रहे शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। बेचारी माँ कबूतर बच तो गया, पर तीर लगने से उसके पंख घायल हुई। फिर उस गांव के कारण ढंग से उड़ ना पाई, खाना लाने के लिए बाहर ना जा सकी। बेटी, पंखों के दर्द के कारण मैं उड़ नहीं पाऊंगी, तो बाहर जाके कुछ खाने के लिए लेकर आ। हाँ, मैं तो अब तक बाहर गया ही नहीं, और कहाँ जाऊँ वो भी पता नहीं। नाना, मैं बाहर ना जाऊंगी। अब बिना कुछ कहे माँ कबूतर अपने बुरा अवस्था में भी बाहर जाकर खाना लाती है। भगल वाली डाली पे घोंसले में से कौवा और उसके बच्चे सब कुछ देख रहे थे। तुमने अपनी लाड से ही अपनी बेटी को ऐसा बनाया है, उसके तरीका बदलने की कोशिश ना किया तो भविष्य में मुश्किल होगी। कौवे की बातों को मानते हुए माँ कबूतर ने कहा कि अब तुम्हें कुछ सलाह दो ना। तो कौवे ने हाँ बोलते हुए, देखो बच्चों, आज खाना मैं लाऊंगी, तुम घर में ही रहो, ऐसे जोर से बोल रहा था। जब हमें पंख नहीं था तब आपने ही खाना लाया, पर हमें अब तो पंख है ना, हम आलसी नहीं हैं। बाहर निकलने से मन खुश होता है, खाने के साथ साथ दुनिया भी दिखती है। यह बातें सुनते ही नन्हे कबूतर को बाहर जाने की चाह उत्पन्न हुई। कौवे की बच्ची के साथ उड़ते हुए निकल पड़ी। अरे वाह, ये जलपात कितना अद्भुत है, ये पुष्पवन कितना सुंदर है। ऐसे उड़ते हुए न जाने कितने सुंदर दृश्यों को देख देख के मस्ती कर रहे थे। इतने समय तक उन सब दृश्यों को ना देखने के लिए उदास हुआ। अपना खाना खुद उसने लाया और उसकी माँ के लिए भी खाना लाई। अपनी बेटी की बदलाव से माँ कबूतर बहुत खुश हुई और बगल वाली कौवे को धन्यवाद किया। सच्ची दोस्ती। एक जंगल में दो लोमड़ियाँ रहा करती थी जो बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन उनको बहुत प्यास लग रही थी, इसी कारण वो दोनों नदी के पास जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को एक थैली दिखाई दी। उन दोनों में से एक लोमड़ी ने उस थैली की जांघ पड़ताल की, फिर उसने उसे खोल दिया। अरे वाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मैं तो प्यास मिटाने के लिए नदी किनारे जा रही थी, पर मुझे तो भूख मिटाने रास्ते में ही इतना सारा मांस मिल गया। नहीं नहीं, मैं खुशनसीब नहीं, हम खुशनसीब है बोलू। ऐसे कैसे, मांस की थैली तो मुझे दिखाई दी थी ना, तो वो मेरी हुई और इसका सारा मांस भी मेरा है, खुशनसीबी भी मेरी है, हमारी नहीं, मैं ही सिर्फ अकेली खुशनसीब हूँ। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर दूसरी लोमड़ी चुप हो जाती है। पहले जिस कार्य के लिए वो आए थे उसे पूरा करके इस मांस को खाएगा, इसी सोच से उस थैली को लोमड़ी ने अपने मुंह में रख लिया और नदी की ओर जाने लगे। इतनी ही देर में एक शेर की गुर्राने की आवाज पीछे से सुनाई दी। लोमड़ियों ने पीछे मुड़ के देखा, उतने में एक शेर वहां आ पहुंचा। अरे रे, ये मांस की सुगंध शायद शेर को पहुंच गई, इसी कारण वो यहाँ आया होगा और वो हमें हमारे मांस के साथ खा जाएगा। ओहो, हम नहीं, तुमने अभी तो कहा था कि वो मांस तुम्हारा है, तो शेर भी तुमको खाएगा। दूसरी लोमड़ी तुरंत अपनी जान बचाकर भाग गई। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में अपनी दोस्ती निभाए।
बंदरों के गुस्से पे हुआ कौवों का नुकसान। एक जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ हुआ करता था। उस विशाल पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे कौवों ने अपने अपने घोंसले बनाए रखे थे। उस पेड़ की छांव ने उनको तेज बारिश, कड़ी धूप और सर्दी से बचाया था। उस पेड़ के बड़े होने के कारण उसके नीचे बहुत सारे बंदरों ने अपना ठिकाना बना लिया था। हमारा जीवन इतना खुशहाल होने का इकलौता कारण ये पेड़ है। इसकी शाखाओं पर हमारे घोंसले होने के कारण हम आज संकट से मुक्त हैं। इस पेड़ के हम पर काफी एहसान है। हम इन घोंसलों के कारण कितने खुशी से जी रहे हैं। पर ये बंदर, इनको तो देखो, ये अपनी सारी जिंदगी इन डालियों पर ही लटकते लटकते गुजारते हैं। ओह कव्वे, खबरदार तूने एक शब्द भी कहा तो। हम बंदर हैं। अगर हमें गुस्सा आ जाए तो हम तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आंसुओं की बारिश कर देंगे। अगले ही दिन सारे आसमान में काले बादल छा गए। तूफानी बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में सारे जंगल की जमीन नदी का बहता पानी बन गई। जो कव्वे अपने अपने घोंसलों में थे वो सुरक्षित रह गए, पर बंदर जो हमेशा यहाँ से वहाँ खेलते रहते थे भीग कर कपकपाने लगे। उन्हें इस हालात में देख कव्वे उनका मजाक उड़ाने लगे। बंदर दोस्त, तुम्हें देख हमें बहुत तरस आ रहा है। हम इतने छोटे होते पर भी हम लोगों ने अपनी चोंच में एक एक तिनका इकट्ठा कर मेहनत से अपने घोंसले बनाए हैं, और तुम लोग इतने बड़े हो, तुम्हारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, फिर भी तुमने अपना सारा समय खेल कूद में व्यस्त कर दिया। बंदर को बहुत गुस्सा आया। इनको तो कुछ काम ही नहीं है, जब देखो तब हमारा मजाक उड़ाते रहते। इनको हमें कुछ सबक सिखाना। बंदर जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया और सारे कौवों के घोंसले तोड़ दिए। उन्होंने सारा पेड़ नष्ट कर दिया। जो कौवे हमेशा हंसते और बंदरों का मजाक उड़ाया करते थे, आज उनका ये रूप देखकर रोने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो कभी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। खरगोश को सबक। एक जंगल में एक बहुत खूबसूरत खरगोश हुआ करता था। वो जंगल के हर जानवर के साथ दोस्ती रखता था। मैं कितना खुशनसीब हूँ, मुझे अगर एक छोटी सी भी परेशानी हो जाए तो मेरे सभी दोस्त मेरी मदद करने आ जाएंगे। अचानक एक दिन जंगल के कुछ जंगली कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। खरगोश बहुत घबरा गया था। अपनी दोस्त की मदद से वो बच जाएगा सोचकर वो हिरन के पास गया। दोस्त, कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं। तुम्हारे नोकीले सींगों से मेरी मदद कर दो ना, उन्हें भगाकर तुम मेरी जान बचा लो, प्लीज। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं अपने नोकीले सिंहों से उन्हें भगा सकती हूँ। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। कुत्ते अभी भी खरगोश के पीछे पड़े थे। वो भागकर अपने दूसरे मित्र हाथी से मदद लेने लगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम इस जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर हो। मेरे पीछे कुछ कुत्ते पड़े हैं। अपनी सूंड से उन्हें मारकर यहाँ से भगा दो ना, मेरी जान बचा लो ना। मुझे माफ कर दो, मैं अभी अभी अपना सारा काम खत्म करके आया हूँ। बहुत थका हुआ हूँ, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो वहाँ से भागकर एक बंदर के पास मदद मांगने गया। अरे नहीं, अगर मैं तुम्हें बचाने आया तो वो कुत्ते मुझे भी चीर कर खा लेंगे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना बोलकर बंदर झाड़ पर कूद बैठा। वहाँ खड़के खरगोश ने सोचा उसके किसी मित्र ने उसकी सहायता नहीं की थी। वो खुद ही बचने का उपाय सोचने लगा। उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद वहाँ कुत्ते आ गए। उन्होंने उसे ढूंढा पर निराश होकर चले गए। उस खरगोश ने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मुश्किल समय में
कोई दोस्त हमारे काम नहीं आता, हमें खुद ही उस मुसीबत का सामना करना होगा। पक्षियों की चालाकी। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी साथ रहा करते थे। वो हमेशा साथ खेलते और खुशी से साथ चहचहाया करते थे। वो हमेशा साथ उड़ा करते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो एक साथ उड़ रहे थे, तब उनकी नज़र एक विशाल पेड़ के नीचे पड़े बहुत सारे दानों पर गई। उन सबके मन में ये विचार आया कि दानों के पास तो कोई निगरान नहीं, तो वो सब उस दाने को खाने साथ ज़मीन पर आ गए। जैसे ही वो दाने चुभने लगे, तभी अचानक पेड़ से एक जाल उन पर आ गिरा। वो सब उस जाल में फंस चुके थे। जाल से बाहर आने की हर संभव कोशिश वो कर चुके थे। हर पक्षी ने अपनी जान लगा दी थी उड़ने की, पर कितनी कोशिशों के बाद भी वो असफल रहे। तब एक चतुर पक्षी ने सुझाव दिया कि सब अलग अलग मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। अगर हमें इस जाल से छुटकारा चाहिए तो हमें एकजुट होकर इस जाल का मुकाबला करना होगा। हम सब अकेले उड़ने की कोशिश करने के बजाय अगर साथ अपने पर हिलाएं, तो हम सब इस जाल को अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं। सब उस चतुर पक्षी से सहमत होकर उसकी सलाह मानने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो उस जाल को अपने साथ लेकर उड़ गए। उड़ते उड़ते वो अपने एक मित्र चूहे के पास आ पहुंचे और उसे सहायता मांगी। उस चूहे ने भी खूब मित्रता निभाई। उसने अपने सभी चूहे दोस्तों को बिलों से बाहर बुलाया और सब ने एक साथ उस जाल को अपने नोकीले दांतों से काट दिया। इस घटना से उनको ये सबक मिला कि उनकी एकता ने ही आज उनकी जान बचाई है। इसलिए तो हमारे बड़े कहते हैं कि एकता में ही बल है।